मुझे बहुत पसंद है ये बात, जब यीशु मसीह 8 दिन के थे तब उनकी मां और उनके पिता उन्हें मंदिर ले गए थे। उस मंदिर में एक व्यक्ति ने उनको अपनी गोद में उठाया जिसका नाम शिमोन था, और उसने यीशु मसीह के आने वाले जीवन के विषय में एक भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी में उसने कहा, यह बालक बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। यह हिंदी में लिखा है लेकिन इंग्लिश इज डिफरेंट। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस बॉय द लाइफ ऑफ मैनी विल एक्सपोज्ड। इस व्यक्ति की वजह से बहुतों का जीवन प्रकट हो जाएगा, भीतरी विचार प्रकट हो जाएंगे। आप कैसे जान सकते हो कि इस पुलपिट से व्यक्ति बात कर रहा है कि खुदा बात कर रहा है? एक वजह से, वो आपके जीवन को दूसरों पे नहीं, आपके लिए आप पर एक्सपोज कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। मैं बाइबल जब भी पढ़ता हूं मैं बहुत ओपन हार्ट से और बड़ी ईमानदारी से पढ़ता हूं, और मैं परमेश्वर को हमेशा कहता हूं, अगर तू मुझ में कुछ भी गलत देख रहा है तो वहां पर मरने के बाद नहीं, मुझे यहीं पर बता। जो कुछ मुझ में गलत है तू मुझे यहीं पर बता। और मैं आपको सच कहता हूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ फेस करना बाइबल है। बहुत टफ है ये मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे ऑप्शन नहीं देती है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो मुझे बताती है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस वचन को बहुत हल्के से लेता तो आज मेरे पास लाखों रुपए होते, मुझे अपनी कार होती और मैं एक महल में रहता। लेकिन बाइबल मुझे झूठ बोलकर कमाना, चीटिंग करके कमाना, धोखे और धोखाधड़ी करके कमाना को मना करती है। इसलिए मैं कुछ खास बना नहीं पाया। मेरे पास इतना है कि मैं अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें बाइबल आपको कहती है जो बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं आज कितने सारे लोग हैं झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, वो हर लाइन में झूठ है। कहावत सुनिए आपने, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, 200 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, 500 रुपए कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर आप आज किसी से भी पूछोगे ना कि दुनिया में 2 सेवक कौन से हैं, आप किसी से भी पूछोगे ना दुनिया में कौन सी 2 ताकतें हैं, सब आपको कहेंगे परमेश्वर और शैतान। और बाइबल इस चीज को रिफ्यूज करती है। बाइबल कहती है 2 ताकतें हैं, परमेश्वर और धन, मनी एंड गॉड। और आपको एक चुनना पड़ेगा, आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे टफ डिसीजंस करने, ऐसे ऐसे टफ डिसीजंस लेने के लिए बाइबल हमें बात करती है।